हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉम्रेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आज 15 मई है और 15 मई से आपके गुरुजी ने आपसे वादा किया था कि नीट्स ड्रॉपर्स के लिए एक बैच का वो आरंभ कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, तो आज से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं और आपके नीट 2025 तक आपके साथ रहूंगा। तो बच्चों, आज मैं आपका जो नीट ड्रॉपर्स का जो बैच है उसमें फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा और फिजिक्स में बिल्कुल बेसिक टॉपिक जो आपका मैंने रखा है आज, वो रखा है बेसिक मैथमेटिक्स। बिल्कुल बच्चों, आज आपके गुरुजी आपसे जुड़ के बेसिक मैथमेटिक्स में जितने भी प्रॉब्लम, जो भी कंडीशंस, जो भी क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, जो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा से लेके हर एक डाउट जो बेसिक मैथमेटिक्स में नीट के बच्चों को आता है, उन सब का डर खत्म कर देंगे। बिल्कुल बच्चों, तो बच्चों बेसिक्स मैथमेटिक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियो से स्टार्ट करूंगा चैप्टर को, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के थ्रू होते हुए मैक्सिमा मिनिमा पर इस चैप्टर को खत्म करूंगा। बच्चों, जितना मैं आपको बता दूंगा वो सारा आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, केवल और केवल वीडियो को पॉज करना है, मैं टाइम दूंगा और आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। इसके अलावा बेसिक्स मैथमेटिक्स में ना कुछ और पढ़ने की जरूरत है कहीं से, और ना कुछ बुक या कुछ चीजें अगर यूज करनी है वो भी नहीं करना है। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं बेसिक्स मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आज मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या आपको, तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैं आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, उसको मैं बोल देता हूं टी रेशियो। फिर हम बात करेंगे एंगल्स की, एंगल्स की बात करेंगे, एक्चुअल में एंगल्स यहीं पर आ जाएगा टी रेशियोज में। देन मैं क्या बात करूंगा बच्चों, आपके से ग्राफ की बात करूंगा। देन उसके बाद क्या बात करूंगा बच्चों, डिफरेंशिएशन की बात करूंगा, डिफरेंशिएशन, जितने भी फॉर्मूले हैं सारे। देन मैं बात करूंगा आपसे इंटीग्रेशंस की बच्चों, इंटीग्रेशन। उसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा में चलेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों, आज हम बेसिक्स मैथमेटिक्स को जीरो से हीरो तक बना दूंगा आपको, जीरो से हीरो तक का सफर। बिल्कुल, तो बच्चों टी रेशियो से हम स्टार्ट करते हुए एंगल से ग्राफ तक होते हुए डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन तक होते हुए मैक्सिमा मिनिमा पर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। और बच्चों, इन जो भी चैप्टरों में ये अप्लाई होते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जहां पर भी आपको डर लगता है उसका भी डर समाप्त कर दूंगा बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इस चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। चलो बच्चों, आप हेडिंग डाल लो सारे अपनी नोटबुक में बेसिक्स मैथमेटिक्स, और एक अलग कॉपी बनानी है आपको फिजिक्स की। जितने क्वेश्चन मैं कराता हूं उनके बाहर नहीं जाना, मैं बता ही चुका हूं आपको 20 से 25 बार आपको क्या करना है, 20 से 25 बार आपको नहीं को रिवाइज करना है। तो बेसिक्स मैथमेटिक्स सब हेडिंग डालें, बेसिक मैथमेटिक। तो सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हेडिंग डालें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है बच्चों, क्योंकि आप सब ड्रॉपर हो तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। मुझे एक चीज बता दो, इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो आप सभी के दिमाग में चीज चल रही होगी ट्राई प्लस ग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों, तीन। यानी अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बोल दूं, ट्रायंगल तीन एंगल वाला या तीन साइड वाला, ट्राई साइड। अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री में, सिंपल बात करूं, ट्राई जियोमेट्री,
मतलब ऐसी ज्योमेट्री की स्टडी करो जिसमें या तो तीन साइड हो या तीन एंगल हो। तो मुझे बताओ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल बात कर रहे हैं कि ट्रायंगल की स्टडी को ही हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो बिल्कुल सही हो बच्चों आप, इसीलिए मेरा ये जो बैच है वो ड्रॉपर्स के लिए है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल की स्टडी, तीन साइड की, तीन एंगल्स की। समझ गए होंगे आप, तो नोट करें इसको, फिर मैं चलता हूं आगे। तो ट्रिग्नोमेट्री सब समझ में आया, अब इसमें हमें पढ़ना क्या है। आपको मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताना है, थोड़ा सा मुझे बताना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप सभी को आते हैं। जैसे सिंपल आपको बता दूं, मैं सिंपली मैं आपसे पूछ लूं साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, तो आप सब ड्रॉपर्स हैं तुरंत बताएंगे साइन 90 की वैल्यू होती है गुरुजी 1। मैं आपसे पूछ लूं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आप तुरंत पलक झपकते ही बताएंगे हाफ। मैं आपसे पूछ लूं कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, आप बताओगे अंडर रूट 3/2। तो ये आपका चुटकियों का खेल है। लेकिन बच्चों मुझे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाना है हल्का सा, आपको अप्रोच कैसे मैं आपको जनरेट करूं, क्योंकि इसमें भी कुछ भैया गलत कर देते हैं। तो मैं बताऊंगा आपको एक अलग अप्रोच से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस को कैसे याद करें। हालांकि मुझे पता है आपका भरोसा है कि आपको सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आते होंगे। थोड़ा सा उससे पहले मैं बता देता हूं कि जो ट्रायंगल है आपको पता है उसमें तीन एंगल्स होते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। ये साइड ए डैश, बी डैश, सी डैश, तीन साइड। तो तीन एंगल की स्टडी या तीन साइड की स्टडी, उसी को हम ट्रायंगल की स्टडी, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोल देते हैं बच्चों। अब चलते हैं आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब आप मैथमेटिक्स में पढ़ के आ चुके हैं 10th क्लास में। हमें करना क्या है बच्चों, हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये आपको याद रखने। किस किस के बारे में याद रखने है आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इन सब के बारे में। तो बच्चों लाइन खींचते हैं और मैं आपको टैक्टिक्स बताऊंगा। बस मैं आपको ये पूरे सारे याद नहीं कराऊंगा बच्चों, कुछ ही याद कराऊंगा, कुछ ही नहीं, बस एक लाइन याद कराऊंगा और उसके बाद आप भी कहोगे कि ये कितनी अच्छी टैक्टिक्स है। बिल्कुल बच्चों, तो आप ऐसे करके अपनी नोटबुक में जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे आप लाइन कर लो। बच्चों एक मिनट में देख लेता हूं कैमरे में कि ये वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बिल्कुल सही दिख रहा है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि साइन थीटा, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको साइन जीरो की वैल्यू पता है क्या होती है बच्चों, जीरो। साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है ये भी याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लो, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नहीं याद है, याद कर लो, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू है, नहीं याद है, याद कर लो, √3/2। साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1। अब यहां पर एक अप्रोच लगाऊंगा बच्चों, ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं बच्चों, अगर लिखी आ जाए एग्जाम में साइन 30, बच्चे लिखते हैं 1/√2, इतना मारूंगा, 1/√2 नहीं लिखना है, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 1/2 होता है। ये मैंने देखा है जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, तो साइन 30 की वैल्यू 1/√2 लिखते देखा है, साइन 45 में 1/2 लिखते देखा है। इसलिए मैंने बोला है आपकी मिस्टेकों पर काम करूंगा बच्चों, ये नहीं करना। अब याद कैसे रखना है ये आपको कि साइन 30 क्या है और साइन 45 क्या है। तो बच्चों एक टेक्टिक्स है, जो ये नीचे है 2 और √2, मुझे बताओ √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41। तो याद रखना है अगर 30 है छोटा है तो उसके साथ बड़ा, तो इसको याद रखना है, छोटे मियां बड़े मियां के साथ जाएंगे,
और बड़ा है तो छोटे मियां, क्योंकि अंडर रूट टू की वैल्यू है 1.41 जो कि 2 से छोटी है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हुई होगी कि छोटे मियां के साथ कौन आएंगे, बड़े मियां, और बड़े मियां के साथ छोटे मियां। डन बच्चों, तो ये आपको याद हो गया होगा, इसको तुरंत से अपनी नोटबुक में लिखें कि कैसे आपको 30 और 45 का अप्रोच क्लियर रखना है। 30 और 45 का अप्रोच क्लियर रखना है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं बच्चों, आप सबने नोट कर लिया होगा। 30 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, जल्दी बता दो, 1/2। 45 की 1/√2, कैसे, छोटे मियां बड़े मियां, बड़े मियां छोटे मियां, एक याद रख लो, दूसरा अपने आप। अब बच्चों ये जितने भी कॉलम्स जो है खाली है, जितनी भी रोज खाली है, उनको हम भर देंगे, बिल्कुल भर दें। अब आपको कुछ याद नहीं रखना, 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2, 1 ये याद है। अब आपको मैं अप्रोच बताऊंगा और वो अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। साइन थीटा को क्या समझना है, साइन थीटा में क्या करना है, जो साइन थीटा आपने पढ़ाया है गुरुजी ने, कॉस थीटा में क्या कर दो। देखो ये लिख रखा है हमने, इसको जो यहां लिखा हुआ है उसको यहां ले आओ, जो यहां लिखा हुआ है उसको यहां ले जाओ, यानी 0, 30, 45, 60, 90। ये आपको मैंने साइन थीटा के लिए बता दिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 1/√3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। बच्चों अब क्या करना है, साइन 0 की वैल्यू, तो जो साइन थीटा है 90 वाला इधर ले आओ, तो साइन 0 क्या हो जाएगा बच्चों, 1, यहां लिख दूं 1। साइन 30 क्या था, 1/2, तो cos 30 क्या हो जाएगा, 60, साइन 60, तो क्या लिख दूं, √3/2। साइन 45 ये मुझे बता, ये तो यही है, 1/√2। साइन 60 इसको लिख दूं, 1/2। साइन 90 cos 90 0। तो मुझे बताओ कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया। मेरा अप्रोच था ये, मेरा अप्रोच था ये, मेरा अप्रोच था ये, मेरा अप्रोच था ये, मेरा अप्रोच था ये। जल्दी नोट करो, कुछ नहीं किया मैंने, ऐसे था ऐसे कर दिया। डन बच्चों, आपको क्या करना है, अल्टा पलटा, वो दिल स्कूप मारता था ना पीछे, अल्टू पलटू पहले अड़ाता था, वही काम करना है। क्या करना है, ऐसे लिखा है ऐसे कर दो। डन, जल्दी नोट करो, मिटाता हूं, फिर से मुझे कराना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको बोल दिया, मैं आपको एक साइन का याद कराऊंगा, उसके बाद सारे में अप्रोच लगाना है, और ऐसे ही हम पूरी फिजिक्स को खत्म करेंगे अप्रोच लगा के। आपको याद तो कुछ कराऊंगा ही नहीं। डन बच्चों, बिल्कुल। तो दोबारा से कॉलम बनाता हूं और वैल्यू लिखते हैं। कोई नहीं, हम कितना भी रफ करें, कुछ भी करें, हमारा है, मुझे आपको समझाना है बस, और आपको समझ आना चाहिए। तो साइन 0 की वैल्यू बच्चों जल्दी से रिपीट कर दो, क्या होगी, 0, बिल्कुल 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, अब जल्दी से लिखो, 1/√2। साइन 60 की √3/2। साइन 90 की 1। अब मुझे बताओ cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। डन बच्चों, तो दो क्लियर। तो क्या किया हमने, दिल स्कूप मार दिया। क्रिकेट के कोई भी फैन हो तो वो जानते होंगे, श्रीलंका का एक प्लेयर था, वो पीछे बैठ के मार देता था दिल स्कूप। टेन थीटा पर चलते हैं, इसका क्या अप्रोच होगा बच्चों, कुछ नहीं, सिंपली आपने बच्चों जब टेंथ क्लास पढ़ी होगी तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। खत्म बच्चों, टाटा बाय बाय बच्चों, बस यही अप्रोच रखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो है टेन थीटा। खत्म बच्चों, 0/1 क्या होता है, यही से बताऊंगा मैं आपको। देखो 0/1 दिख रहा है, 0/1 क्या होता है, आपको पता है, 0 को किसी से भी डिवाइड करो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, क्या आता है, 0, 0 ही तो आता है। डन, 1/2
अंडर रूट 3/2, इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मुझे बताओ 1/2 अंडर रूट 3/2, आपको पता है ये 2 कट गया तो ये 1/अंडर, ये 2 इससे चला गया, देखो नहीं तो 2 नीचे आया कट गया, तो क्या रिजल्ट आया? 1/√3। डन बच्चों, तो इसको मिटाता हूं और आपका कॉन्सेप्ट जल्दी से आप करो। एक और अप्रोच आपके गुरुजी ने आपके दिमाग में डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करो, यानी ये अपॉन ये, ये अपॉन ये, ये अपॉन ये, ये अपॉन ये, ये अपॉन ये। इसीलिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाने थे बच्चों, हालांकि आप सभी जानते हो, आप सभी ड्रॉपर हो, लेकिन तब भी मुझे एक अप्रोच आपको देनी थी। चुटकी बजाते ही आप क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या आ जाएगा? 1/√3। ऐसे ही जब आप इसका करोगे तो इसका आंसर आएगा 1, पूरा कट रहा है बच्चों। इसका जब करोगे √3, जब इसका करोगे 1। डन बच्चों, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब आते हैं इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी बच्चों। अब आ जाते हैं कुसेक, कुसेक में क्या अप्रोच लगाना है? साइन थीटा आपको मैंने याद कराया, कॉस थीटा आपने अल्टी पल्टी मरवाई, टेन थीटा में आपने साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर दिया। अब कुसेक में क्या अप्रोच करना है? कुछ नहीं करना है। उधर क्या था, साइन थीटा से कॉस थीटा आने पे हमने क्या किया था, ऐसे था, ऐसे कर दिया। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा ऐसे है, कॉस थीटा कर दो, कुसेक के लिए उल्टा कर दो, यानी 0 है 0/0। भाई जब कुछ नहीं होता तो अपॉन में 1 आता है, 0/1 उल्टा कर दो, 1/2 2/1, 1/√2 √2/1, √3/2 2/√3, 1/0 1/1 1। डन, ये कंडीशन लगेंगी आपको। हालांकि 0 की और 90 की स्पेसिफाइड नहीं करनी है वैल्यू, तब भी क्या करना है, कॉस ये 0 है क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ये 1 है क्या हो जाएगा, 0, यहां पर 1/2 है क्या हो जाएगा, 2, यहां पर 1/√2 है क्या हो जाएगा, √2, यहां पर √3/2 है क्या हो जाएगा, 2/√3। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल चारों कॉन्सेप्ट, चारों क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ मैंने बताए। अब आ जाते हैं सेक, सेक आपको पता है कि कॉस क्या होता है? एक मिनट बच्चों, आप सबको पता है कॉस क्या होता है? आपको पता है कि कॉस इज इक्वल टू 1/sec। तो बच्चों कॉस की उल्टा पलटी यहां करा दो, सपोज करो ये है, उल्टा कर दो, खत्म। तो आ जाओ कॉस में, कॉस 1 है, यहां पर sec 0, √3/2 है 2/√3, 1/√2 है √2, 1/2 है 2, 0 है इंफिनिटी, खत्म बच्चों। क्रिस्टल क्लियर, ये कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच आपको रखनी है। अब कॉट थीटा के लिए क्या होगा बच्चों, ये भी आसान है, इसके लिए भी आपको पता है, टेंथ क्लास में आप पढ़ के आए, दो तीन चीज अगर आपको आती हैं, नहीं भी आती हैं तो मैं बताऊंगा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको आसान हो जाएंगे। तो कॉट थीटा की बात करूं मैं बच्चों, तो उसमें क्या होगा, आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा, खत्म। तो मुझे बताओ टेन जीरो, टेन जीरो की वैल्यू 0, तो 0 का उल्टा कर दो, भाई 0 ऐसे है, ऐसे कर दो, क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, 1/√3, 1/√3, 1 का 1, 1/√3, 1/√3 का 1/√3, और इसका 0 का, 0 का इंफिनिटी, इंफिनिटी की 1। इन्फिनिटी का 0, सॉरी दूसरा देख गया था बच्चों। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जो आपके गुरुजी ने आपको ट्रिक दी बच्चों। जल्दी से नोट करो, आपको क्या याद रखना है, आपको केवल और केवल साइन का याद रखना है, बाकी आपके गुरुजी ने आपको ट्रिक बताई। अब मैं इसको मिटाता हूं और बच्चों चलते हैं आगे।
तो ये थी बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। अब एक इंपॉर्टेंट जो ट्रायंगल है वो आपको याद रखना है नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बच्चों है तो बहुत सारे ट्रायंगल के टाइप, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, लेकिन हमें नहीं याद रखने, हमें केवल एक ट्रायंगल याद रखने उनके एंगल। तो बच्चों हमें एक ट्रायंगल याद रखना है जिसका 37 और 53 का एंगल याद रखना है। बच्चों याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 37 वाली साइड है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो 3 होगी, जो 53 है उसके सामने वाली जो साइड होगी वो 4 होगी और जो हाइपोटेनस होगी वो 5 होगी। याद रखना है, क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछ लिया जाता है साइन 37 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 53 की वैल्यू क्या होगी, टेन 37 की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों 37 डिग्री एंड 53 डिग्री का जो एंगल है वो आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लगा के पूछ सकता है। ये आपको मैंने बताई दिया 0, 30, 45, 60, 90, एक ट्रायंगल जो 37 है और 53 एंगल है उनके बारे में और याद कर लो। कुछ याद नहीं करना, केवल आपके गुरुजी ने बताया 37 के सामने 3, 43 के सामने 4, हाइपोटेनस 5 है। अब मैं आपको बताता हूं निकाल के और आप तड़ादड़ क्वेश्चन करने लगोगे। तो बच्चों एंगल 37 और 53 की बात हो गई, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप जल्दी से निकाल के बताओगे। हालांकि एक दो क्वेश्चन मैं ही करा देता हूं। क्वेश्चन जैसे सपोज करो बच्चों ये ट्रायंगल है 37 डिग्री का 53, मैंने पूछ लिया आपसे साइन 53 की वैल्यू निकालो, आपको कैसे अप्रोच लगानी है। आपके गुरुजी ने बताया 37 के सामने वाली साइड को गुरुजी बोलते हैं 3, 53 के वाली के सामने वाली को 4, हाइपोटेनस होती है 5। आपको पता है साइन क्या होता है, तो आपको क्लास 10th में एक टैक्टिक्स बताई होगी आपके गुरुजी ने, कोई ट्रिक, अगर ट्रिक नहीं बताई होगी तो हर बच्चे को पता होगी क्योंकि क्लास 10th में सब पढ़ के आते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक कॉट, इनको याद करने की एक टैक्टिक्स बताई थी हमें, तो ये बताई गई थी बच्चों हमारे टीचर थे भूपेंद्र जी, वो उन्होंने बताई थी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो जैसे साइन थीटा है तो उसके लिए आ जाता था साइन थीटा का जो अप्रोच था वो आ जाता था पंडित बद्री प्रसाद हर, तो परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेनस। पी का मतलब था परपेंडिकुलर साइड, बी का मतलब था बेस और एच का मतलब था हाइपोटेनस। तो बच्चों ये आप सभी को बताया गया होगा लेकिन एक बार फिर से मैंने समराइज कर दिया, तो मुझे जल्दी से बता दो साइन थीटा या साइन 53 में क्या आ जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर, तो P अपॉन H। तो मुझे बताओ परपेंडिकुलर साइड क्या है 53 के, तो आपको पता है जो अपोजिट साइड होती थी वो परपेंडिकुलर होती थी, लिख दूं 4, बिल्कुल। मुझे बताओ हाइपोटेनस क्या है, लॉन्गेस्ट साइड अपॉन 5, तो मुझे बताओ साइन 53 की वैल्यू आपने गेट कर ली बच्चों, बिल्कुल। अब मैंने ये एक तो आपके लिए करा दिया लेकिन अब आप मुझे जल्दी से बताओगे और दो चार क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो आपकी नोटबुक में जाने वाले हैं। थोड़ा सा पॉज लूंगा और आपको वो क्वेश्चन को कॉपी में करना है। क्वेश्चन मुझे बता दो 37 की वैल्यू, मुझे बता दो कॉट 53 की वैल्यू, मुझे बता दो साइन 53 की वैल्यू, मुझे बता दो कोसेक 37 की वैल्यू। जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट करो, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको 10 से 15 मिनट, वीडियो को पॉज करो और फिर आप अपने नोट्स में इन 53 और 37 की वैल्यू निकाल लो। डन बच्चों, अब फिर चलते हैं हम आगे। तो आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और
क्वेश्चन भी निकाल लिए होंगे। इन क्वेश्चनों को करे बिना वीडियो को आगे ना देखें। अब चलते हैं आगे। ये बात थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक बार बच्चों में कैमरा चेक कर लेता हूं, सही चल रहा है? यहां भी सही चल रहा है बच्चों। 25 मिनट हो गए थोड़ी सी देर में। अब आते हैं बच्चों आगे। मैं बात करता हूं एंगल्स की बच्चों। एंगल, तो एंगल में क्या बात करूंगा बच्चों? एंगल की, एंगल्स में मैं बात करूंगा बच्चों, अगर मैं आपको सिंपल पूछूं कि आप एंगल को किस चीज में मेजर करते हैं, तो आप कहते हैं सर 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। यानी आप बोलते हो सिंपल डिग्री में, यानी कोई भी चीज लिखते हो, जैसे सपोज करो 90, उसके ऊपर ये डिग्री लगा देते हो, 90 डिग्री हो गया। सपोज 180 डिग्री, 150 डिग्री, फलाना डिग्री। मैं आपको एक और अप्रोच बताऊंगा जो हमारे सिलेबस में है और उस पर क्वेश्चन ज्यादा, जो एनटीए है उस पर ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चों वो क्या रहेगा, क्या चीज होगी? तो बच्चों डिग्री के साथ साथ एक चीज और आपको याद रखनी है, और कन्वर्जन भी मैं आपको याद करना बताऊंगा, उसका नाम है आपका रेडियन। जैसे मैं सिंपली आपसे बात करूंगा, आपने देखा होगा, अभी आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, पता है बहुत अच्छी बात है, पाई, ये है पाई रेडियन। तो ये कितना है बच्चों अगर डिग्री में बात करूं तो? आप भैयाओं ने जिनको भी आता है अच्छी बात है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, पाई रेडियन को हम कहते हैं बच्चों 180 डिग्री। अभी इसी वीडियो में 1 से 2 मिनट बाद में आप परिपक्व हो जाओगे कि पाई को 180 डिग्री कहते हैं, 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? तो आप मुझे बताओगे पाई बाई 2 लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, उसका अप्रोच है, धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आपके दिमाग में एक चीज तो मैंने डाल दी है कि डिग्री और रेडियन एंगल को दो दो यूनिट्स हैं, बिल्कुल। अब चलते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है बच्चों? याद कराने को तो करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू फील दूंगा। सपोज करो बच्चों, मैं आप में से जो भी आप पढ़ रहा है या पढ़ रही है कोई भी, उनको मैं अपने साथ ले जाता हूं और मैं एक गोल चक्कर यानी एक सर्कुलर पाथ में हम दौड़ाता हूं। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कि हम दोनों ने, हमने यहां से ए पॉइंट से स्टार्ट किया और घूमते 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 ए पॉइंट पर ही खत्म किया, तो हम कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आप सब कहोगे कि हमने सर्कल के सर्कमफ्रेंस की बराबर डिस्टेंस कवर किया है गुरुजी। यानी मैं सिंपल बोल दूं, इसकी रेडियस अगर आर है तो मैं बोल दूं 2πr कवर किया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो आप बिल्कुल सही हो, हम 2πr घूमे। मुझे बताओ बच्चों, आपको अगर कुछ पता हो थीटा क्या होता है, r अपॉन रेडियस, यही होता है बच्चों। अब आप कहेंगे थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, हमें तो ये भी नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये भी मैं पढ़ाऊंगा जब आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा। अभी केवल इतना याद रखो, जो थीटा है वो, सपोज करो ये कोई सर्कल है और यहां पर मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा हूं, अगर मुझे ये ए से बी तक के लिए जो थीटा ये चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इस थीटा को निकालने के लिए जो ये सर्कुलर पाथ में जो चलाऊं ए से बी तक जो डिस्टेंस कवर किया अपॉन में जो रेडियस है ये कर दूं, तो ये जो थीटा है वो निकल आता है, यानी थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब मुझे बताओ, जब मैं और आप साथ में मिलके एक पूरा चक्कर घूमे हैं, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है बच्चों हमने? तो आप ही ने मुझे बताया 2πr। अब मुझे बताओ, मैं आपसे थीटा पूछता हूं तो आप कहोगे गुरुजी ने अभी बताया आर्क अपॉन रेडियस होता है थीटा। मुझे बताओ आर्क कितना कवर किया आपने, एक सर्कमफ्रेंस के बराबर, तो मैं लिख दूं 2πr बच्चों, बिल्कुल। रेडियस कितनी है आर, ये गया। तो मुझे बताओ
थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आया। अब मुझे बताओ थीटा डिग्री में है 2 पाई रेडियन में। खत्म रिलेशन। तो रिलेशन आ गया बच्चों, अभी इसी से न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा, पूछे भी गए हैं, टेस्ट सीरीज में भी पूछे जाते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो इसी से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अभी मैं इस रिलेशन को आप नोट करें वीडियो को पॉज करके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप धड़ाधड़ सॉल्यूशन बताएंगे। तो बच्चों पहला, मैं आपसे कहता हूं 90 डिग्री को रेडियन में लिखो, लिख दोगे? बिल्कुल, कुछ नहीं करना है आपको। आपको पता है थीटा डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन होते नहीं होते हैं? मुझे बताओ 90 डिग्री में कितने, 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? आपको कुछ करना है? कुछ नहीं करना, 1/2π रेडियन, खत्म। तो मुझे बताओ कितने हो जाएंगे? तो 90 डिग्री इनटू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180, कितना आ गया, पाई बाई 2, खत्म। अब आप कह रहे होंगे ये क्या कर दिया गुरुजी ने? कुछ नहीं, सिंपल अप्रोच है, मैंने आपको रिलेशन बता दिया, स्पेसिफाइड करा दिया कि थीटा में कितना होता है, वहीं से आपको क्वेश्चन करना है। थीटा डिग्री है, मुझे बताओ कितना है, 2π रेडियन है, बिल्कुल। अब मुझे बताओ 1 डिग्री के लिए पूछता है आपसे, तो आप क्या कहोगे? भाई एक पूरा सर्कल है, ऐसे आपको समझ आएगा, ये है, आप यहां से घूमे और ये पूरा घूम गए, 360 घूमोगे। यानी सिंपली इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं, एक और अप्रोच से आपके और कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। मुझे बताओ आपको पता है 2π रेडियन में कितना घूमे, 360 घूमे नहीं घूमे? अब मुझे बताओ अगर मैं 1 डिग्री की बात करता हूं, या 1 डिग्री में कितना रेडियन घूमे, तो 2π रेडियन अपॉन में इस 360 को नीचे ले जाऊं, बिल्कुल। तो ये कितना आ गया बच्चों, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/π/180 रेडियन। इसको अपनी कॉपी में नोट करो, इसलिए समझ में नहीं आया था वो चीज जो मैंने पढ़ाई थी कि 90 को। अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसकी मदद से, ये जाएगा आपकी फॉर्मूला कॉपी में, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, कुछ अप्रोच नहीं लगाया। मुझे बताओ 2π रेडियन कितने एंगल घुमा, 360, 1 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन अपॉन 360 काटा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। डन बच्चों? तो अब मुझे बता दो जल्दी से 90 डिग्री को कैसे अप्रोच में लाएंगे? तो अब तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्या करोगे, कुछ नहीं, 90 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, कितना हो गया बच्चों, पाई बाई 2, खत्म, पाई बाई 2 रेडियन लिखेंगे। तो बच्चों क्रिस्टल क्लियर। अब मैं आपसे पूछ लूं क्या, 120 डिग्री को 2 सेकंड में, जल्दी करो जल्दी, 120 इंटू पाई अपॉन 180, खत्म, काटा पीटी, 2 3 2π/3, क्रिस्टल क्लियर। मैं पूछ लूं 60 डिग्री निकालो, पाई अपॉन 180, कितना हो गया, पाई बाई 3। मैं पूछ लूं 45, पाई बाई 180, मुझसे जल्दी आपके आंसर आने चाहिए, पाई बाई 4। तो बच्चों ये 4 चीजें, ये 4 क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, और मैं आपको होमवर्क में चीजें देता हूं एंगल डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, उनको आप वीडियो को पॉज करोगे, सॉल्व करोगे, देन वीडियो को आगे खोलोगे। चलो बच्चों 3-4 क्वेश्चन लिख लो। तो मैं कहूंगा आपको 150 को 180 कन्वर्ट इनटू रेडियन, इनटू रेडियन, टू सेवेंटी, थ्री सिक्सटी,
इतना ही कर लो, मुझे लगता है आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। तो बच्चों आज का मैं लेक्चर यहीं पर खत्म कर रहा हूं। बच्चों लाइट चली गई है तो मैं कल इसी को स्टार्ट कर दूंगा, पार्ट सेकंड में हम खत्म कर लेंगे। तो बच्चों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। बच्चों अगर अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जैसे फिजिक्स में मैं एनर्जी डाल रहा हूँ, ऐसे केमिस्ट्री में भी डालूंगा, बायोलॉजी में भी डालूंगा। आपके साथ नीट 2025 तक मैं जुड़ा रहूंगा। बच्चों मेरा बैच है बिल्कुल 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 फ्री है, बच्चों कोई पैसे नहीं है। लेकिन आप जो ड्रॉपर्स हो, जिनको मेरी जरूरत है, आप उनको ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो। धन्यवाद बच्चों।